कल इजलास का क्या एजेंडा होगा, क्या रनडाउन होगा, ये तो मौज़म ने आपके साथ शेयर किया। अभी बताया कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से साइड लाइन पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसमें तजारत, बाहमी रवाबित और सिक्योरिटी अमूर पर ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। SCO इजलास की साइड लाइन्स पर सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की रुकन ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें हुईं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन अखिल बेग जापरोफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि किर्गिस्तान कराची और गवादर बंदरगाहों से इस्तेफादा कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ताजिक हम मनसब काहिर रसूलजादा से मिले। मुलाकात में दो तरफा तजारत के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वजीर खारजा ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जमहूरिया बेलारूस के वजीर आजम रोमन गोलोचेंको ने मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वजीर आजम ली जियांग ने चेयरमैन सैनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की। पार्लिमानी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया।